इंग्लिश एकेडमी, मेरा नाम मिथुल है और जो टॉपिक आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एकेडमिक और डेली लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये एक बिगर अम्ब्रेला है जिसके अंदर हमारे होमोफोन्स और हेट्रोनिम्स दोनों आते हैं। दैट्स वाई द रीज़न इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि अगर हम अकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब हम अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने जाते हैं तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं इनका एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। अपार्ट फ्रॉम इट, जब हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं 11th, 12th, 10th, 9th आपकी क्रिएटिव राइटिंग चलती रहती है इंग्लिश में, तब कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं ये बहुत बड़े हिंड्रेंस बन के आते हैं, बिकॉज कभी कभार हम लिखना कुछ और चाहते हैं, हम लिख कुछ और देते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, डेली पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम किसी को टेक्स्ट करते हैं या अगर हम किसी को मेल कर रहे हैं तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है ये बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हम होमोफोन्स की फॉर्म्स में ऑलरेडी अपने कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपसे और कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स आज डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है कोर्स और कोर्स। जो CORSE वाला कोर्स है वो एक एडजेक्टिव होता है या विशेषण होता है जिसको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक है थिंक पॉइंट ऑफ व्यू से और एक है पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हमारी थिंक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है उसका मतलब होता है समथिंग विच इज़ रफ और हार्ड इन टेक्सचर। हिंदी में हम इसको दरदरा भी बोलते हैं। ये नीचे आप देख रहे होंगे, ये जो हमारी कॉफ़ी है ये दरदरी पिसी हुई है, तो ये जो कॉफ़ी जो पिसी हुई है दिस इज कोर्स इन नेचर, जो बहुत दरदरी पिसी हुई है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समबडी हु इज़ अ वेरी रूड, समबडी हु इज़ अ वेरी गुस्से वाला पर्सन, इंसान, तो उसको हम कोर्स इंडिविजुअल बोलते हैं, या समबडी हु इज़ अ रूड और वल्गर पर्सन, ये आप वीडियो देख रहे हैं, तो हम ऐसे इंसान को हमेशा एक कोर्स इंडिविजुअल बोलेंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हिज ड्रेस इज मेड अप ऑफ कोर्स फैब्रिक, उसका जो ड्रेस है वो एक कोर्स या एक दरदरी फैब्रिक की बनी हुई है। अब ये हमारा कोर्स फैब्रिक, एक जनरल एग्जाम्पल देखें तो वो कोर्स फैब्रिक हमारा खादी हो सकता है। खादी एक बहुत कोर्स फैब्रिक की बनी होती है, अगर हम खादी को कभी टच करेंगे तो इट हैज़ अ वेरी कोर्स टेक्सचर। तो पहला एग्जाम्पल है, अगर हम थिंक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिज ड्रेस इज मेड अप ऑफ कोर्स फैब्रिक। The man standing out there is a coarse individual. वो इंसान जो वहाँ खड़ा हुआ है वो एक बहुत ज़्यादा कोर्स या बहुत ज़्यादा रूड इंसान है। तो अगर हम पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका कोर्स का ये एग्जाम्पल एक हो सकता है। जो दूसरे वाला कोर्स है दैट इज CORSE, इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। पहला है नाउन या संज्ञा। अब नाउन में इसका मीनिंग होता है अ रूट और डायरेक्शन, दूसरा मीनिंग है सेट ऑफ डिशेस सर्व्ड, और तीसरा है सीरीज ऑफ लेक्चर। तो अगर नाउन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं वी आर फॉलोइंग दैट कोर्स ऑफ रूट। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हमने कोर्स मील खा रखी है, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडियन कोर्स मील है जहां हमारे 3 कोर्स मील सर्व किया जाता है जिसमें हमारा स्टार्टर्स, मेन कोर्स और डिजर्ट सेक्शन होता है। तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू में हम कितने सेट ऑफ मील्स खा रहे हैं उसको हम कोर्स मील बोलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है सीरीज और लेक्चर, जो हम कोर्सेस फॉलो करते हैं, BBA करते हैं, कंप्यूटर कोर्स करते हैं, इंग्लिश का कोर्स करते हैं, तो उसको ये वाला कोर्स बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट, कोर्स जो है वो एक वर्ब और क्रिया भी होती है जिसका मतलब होता है टू फ्लो या बहना। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है दिस रेस्टोरेंट सर्व 7 कोर्स मील। मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ सेट ऑफ डिशेस सर्व्ड कि कोई रेस्टोरेंट है जो 7 कोर्स एक टाइम पे इतने नंबर ऑफ डिशेस इंटरवल में सर्व करते हैं। I'll soon pursue English course from ESL. मैं जल्दी ही ESL से English का एक कोर्स या English की एक तालीम हासिल करूँगा। तो ये वो वाला कोर्स होता है। Apart from it,
Tears course down her cheek while watching the movie. ये एक verb है जिसका मतलब होता है कि movie देखते वक्त उसके आंखों में से आंसू निकले. तो इसका verb में example हो सकता है tears course down her cheek while watching the movie. तो आई होप आपको कोर्स और कोर्स जो पहला पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड है वो समझ आ गया होगा. जो दूसरा पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है सीरियल और सीरियल. तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं. जो पहला सीरियल है वो एक नाउन है या संज्ञा है जिसका मतलब होता है अ ब्रेकफास्ट फूड मेड फ्रॉम रोस्टेड ग्रेन स्पेसिफिकली ईटन विद मिल्क. जो आप कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, चौकोस जो काफ़ी फेमस है, और जो फ्रूट लूप्स खाते हैं, वो बेसिकली आपके सीरियल ब्रेकफास्ट होते हैं. इसका हम एक एग्जाम्पल ले दो एग्जाम्पल ले सकते हैं. वी जनरली प्रेफर सीरियल्स इन ब्रेकफास्ट. हम ब्रेकफास्ट में सीरियल्स खाते हैं, हम फ्रूट लूप्स खाते हैं, हम चौकोस खाते हैं, हम कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं. दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है सीरियल्स आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इफ टेकन वंस इन अ डे. अगर दिन में एक बार हम लोग सीरियल्स खाते हैं तो प्रोटीन का जो सोर्स है वो सीरियल्स में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो हमको मिलेगा. तो सी ई आर ई ए एल वाला जो सीरियल है उसका मतलब ये होता है. अब हम देखें एस ई आर आई ए एल वाला सीरियल, वो एक एडजेक्टिव भी होता है और एक नाउन भी होता है. एडजेक्टिव कैसे होता है? सीक्वेंस. एडजेक्टिव में इसका मतलब होता है सीक्वेंस. इसका मतलब होता है 1, 2, 3, 4 जो हम सीरीज में नंबरिंग बोलते हैं वो, उसको हम सीरियल नंबर भी बोलते हैं. दूसरा सेम ऑफेंस विद अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक. आप लोगों ने काफ़ी मूवीज देखी होंगी जिसमें बहुत बार ये टर्म निकल के आता है कि दैट पर्सन इज अ सीरियल किलर. तो सीरियल किलर का मतलब होता है जो सेम तरीके का क्राइम करता है, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है और वो कभी चेंज नहीं होते. तो वो वाला जो सीरियल किलर होता है वो एस ई आर आई ए एल वाला सीरियल होता है. अपार्ट फ्रॉम इट जो सीरियल है वो हमारी एक नाउन और संज्ञा भी है जिसका मतलब होता है अ स्टोरी और प्ले अपियरिंग रेगुलरली. आजकल तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काफ़ी फेमस हो गए हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो आप सीरीज देखते हैं, बिग बैंग थियरी हो गया, आपका फैमिली मैन हो गया, तो ये जो आपके जितने सीरियल हैं, ये जो जितने भी सीरीज हैं, ये बेसिकली आपके सीरियल बोले जाते हैं जो हम टीवी पे भी देखते हैं. टीवी पे हमारे घर में बहुत लोग सीरियल्स देखते हैं, तो वो वाले जो सीरियल होते हैं वो ये वाले सीरियल होते हैं, एस ई आर आई ए एल वाले सीरियल. तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. They kept the notes in proper serial number. उन्होंने proper sequence number या proper serial number में अपने notes रखे. दूसरा example हम ले सकते हैं. This time they will catch hold of that serial killer. इस बार वो उस serial killer को जो एक ही तरीके का crime बार बार करता है उसको पकड़ लेंगे. Big Bang Theory is a serial which every youth watches. Big Bang Theory एक ऐसा serial है जो हर youth देखता है, हर young इंसान देखता है. तो I hope अब आज आपको serial और serial, C वाले serial और S वाले serial के बीच का difference समझ में आ गया होगा. जो तीसरा हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स का पेयर आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं. पीपल हु क्लेम दैट दे आर वेरी मच फ्लुएंट इन इंग्लिश, उन वो भी इसमें काफ़ी गलतियाँ करते हैं. और ये जो पेयर ऑफ वर्ड है ये है अफेक्ट और इफेक्ट का. तो चलिए इसके बीच का डिफरेंस जानते हैं. जो ए वाला अफेक्ट है ये वर्ब होता है या क्रिया होती है जिसका मतलब होता है प्रभावित. तो हमारा जो ए वाला अफेक्ट है ये एक क्रिया है और वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रभावित. इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं टू विच मेक्स अ डिफरेंस और टच समवन्स फीलिंग. तो अगर हम ए वाला अफेक्ट देखें तो ये क्रिया है. इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. दिस मेडिसिन बैडली अफेक्ट्स ऑल शुगर पेशेंट. ये जो मेडिसिन है ये सारे शुगर पेशेंट्स को बुरी तरह प्रभावित करती है. रस्किन बॉन्ड्स स्टोरीज पॉजिटिवली अफेक्टेड मेनी यंग स्टोरी टेलर्स. रस्किन बॉन्ड की जो स्टोरी है उसने बहुत सारे यंग स्टोरी टेलर्स को प्रभावित किया.
तो ये वाला जो हमारा अफेक्ट है ये एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है प्रभावित। अब हमारा जो ई वाला अफेक्ट है ये एक नाउन है या संज्ञा है जिसका मतलब होता है प्रभाव। तो ये ए वाले अफेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्रिया होती है या वर्ब होता है, ये होता है नाउन, इसका मतलब होता है प्रभाव। इसका मतलब इंग्लिश में होता है रिजल्ट ऑफ अ चेंज। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दिस वैक्सीन हैज अ मेजर साइड इफेक्ट। इस वैक्सीन का जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा है। तो ये वाला जो इफेक्ट हुआ ये हुआ प्रभाव। The after effects of war are always horrifying. जो लड़ाई के प्रभाव होते हैं, बाद के जो प्रभाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह होते हैं। तो ये वाला जो इफेक्ट है ये होता है प्रभाव। अब इसको हम अप्लाई कैसे करें कि ये वर्ब में लगेगा या नाउन में लगेगा, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड में एक सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड करके एक लिंक हमारे दूसरे जो YouTube वीडियो है उसका दिया गया है, तो आप उस लिंक को फॉलो करके इस अफेक्ट और इफेक्ट का एक्चुअल एप्लीकेशन का डिफरेंस उसमें जान सकते हैं। अगेन जो हमारा चौथा कंफ्यूजिंग वर्ड्स का जो पेयर है वो है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस का। अब ये प्रैक्टिस और प्रैक्टिस जो है इसके बीच का क्या फर्क है, अगेन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। अगेन इसके बीच में भी नाउन और वर्ब का फर्क है। तो हमारा जो प्रैक्टिस एस ई वाला प्रैक्टिस है ये एक वर्ब होती है या क्रिया होती है जिसका मतलब होता है अभ्यास करना। तो हमारा जो पी आर ए सी टी आई एस ई वाला जो हमारा प्रैक्टिस होता है वो एक क्रिया होती है जिसका मतलब होता है अभ्यास करना। इसका मीनिंग होता है टू परफॉर्म और टू कैरी आउट समथिंग। इसके हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। दे प्रैक्टिस गिटार ट्वाइस अ वीक। वह गिटार का अभ्यास करते हैं हफ्ते में दो बारी। तो ये वाला जो प्रैक्टिस है ये है अभ्यास करना। वन शुड रेगुलरली प्रैक्टिस मैथमेटिक्स सिंस इट्स अ टफ सब्जेक्ट। हर किसी को मैथमेटिक्स का अभ्यास निरंतर करना चाहिए क्योंकि वो एक टफ सब्जेक्ट है। तो ये वाला जो प्रैक्टिस है अभ्यास करना ये एक वर्ब होती है या क्रिया होती है। जो हमारा सी ई वाला प्रैक्टिस है वो एक नाउन होती है या संज्ञा होती है जिसका मतलब हिंदी में होता है अभ्यास। तो इसका मीनिंग हम देख सकते हैं एक्सरसाइज या प्रोसीजर्स और कस्टम्स। तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर गेव अप द प्रैक्टिस ऑफ हिटिंग स्टूडेंट्स। तो टीचर ने जो कस्टम था या जो अभ्यास था बच्चों को मारने का ये वाला वो उसने गिव अप कर दिया। और वैसे भी आजकल स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों को मारना अलाउड नहीं है। अब इसके क्या प्रभाव है या दुष्प्रभाव है ये तो आप लोग ही जाने। खैर सेकेंड वाला जो है वो है आइडल वर्शिप इज वन प्रैक्टिस विच मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलो। तो आइडल वर्शिप एक ऐसा अभ्यास है जो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। आइडल मतलब मूर्ति पूजा। तो ये वाला जो प्रैक्टिस है सी ई वाला प्रैक्टिस है ये आपकी संज्ञा होती है और या आपका नाउन होता है जिसका हिंदी में मतलब होता है अभ्यास। तो आई होप आपको एस ई और सी ई वाला जो प्रैक्टिस है इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एंड आई होप अब आप इसको बहुत ही जेन्युइनली और बहुत ही वाइज तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड का जो पेयर है वो है एडवाइस और एडवाइस का। वही सेम एस ई वाला एडवाइस और सी ई वाला एडवाइस। तो अब इसके बीच का फर्क क्या है ये हम देखते हैं। जो हमारा एस ई वाला एडवाइस है वो एक वर्ब होता है या क्रिया होती है जिसका मतलब होता है सलाह देना। किसी को जो सलाह देते हैं वो एस ई वाला एडवाइस होता है। इसका मतलब इंग्लिश में होता है टू ऑफर सजेशंस और रेकमेंड।
हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं. दे एडवाइज्ड हिम टू लीव द रूम इमीडिएटली. उन्होंने उसको रूम छोड़ने की सलाह दी. तो ये वाला जो एस ई वाला एडवाइस है, ये उन्होंने उसको रूम छोड़ने की सलाह दी. हेनरी एडवाइसेस पीपल टू वेयर ब्लैक ड्यूरिंग फॉर्मल मीटिंग्स. हेनरी लोगों को सलाह देता है कि फॉर्मल मीटिंग्स में वो काले कपड़े पहन के आए. तो ये वाला जो एस ई वाला एडवाइस है, ये हमारा एक वर्ब होती है या क्रिया होती है जिसका मतलब होता है सलाह देना. अपार्ट फ्रॉम इट, जो हमारा सी ई वाला एडवाइस होता है, ये हमारी एक नाउन होती है या संज्ञा होती है जिसका मतलब होता है सलाह, सिंपल सलाह. तो हमारा जो सी ई वाला एडवाइस है वो एक नाउन या संज्ञा होती है, उसको हम सलाह बोलते हैं. इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है गाइडेंस और रिकमेंडेशंस. हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. द डॉक्टर एडवाइस वर्क्ड वंडर ऑन हिज पेशेंट्स हेल्थ. जो डॉक्टर की सलाह थी, उसने पेशेंट्स का जो हेल्थ है उसके ऊपर काफ़ी वंडर्स किए, काफ़ी अच्छा उसके ऊपर प्रभाव किया. राहुल समटाइम गिव्स अ वेरी जेन्युइन एडवाइस. राहुल कभी कभार बहुत अच्छी सलाह देता है. तो हमारा जो सी ई वाला एडवाइस होता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, वो एक नाउन या संज्ञा होती है जिसका मतलब हिंदी में होता है सलाह. तो आई होप आपको अब एडवाइस और एडवाइस के बीच का फर्क समझ आ गया होगा. जो हमारा नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है सीलिंग और सीलिंग. तो चलिए देखते हैं. जो हमारा सी ई आई एल आई एन जी वाला सीलिंग होता है, वो एक नाउन और संज्ञा होती है जिसका मतलब हिंदी में होता है छत. जो आपके कमरे के ऊपर की छत होती है उसको आप सीलिंग बोलते हैं. तो इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है द अपर इंटीरियर सरफेस ऑफ अ रूम. हम इसका कुछ, ये देखिए, ये जो आपके कमरे की ऊपर की जो छत है, ये जो दे रखी है, ये हमारी सीलिंग होती है. ये जो जो रंग जो जिसके ऊपर नकाशी कर रखी है. तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. दे बॉट अ फैंसी सीलिंग फैन फॉर द लिविंग रूम. जो आपके कमरे के छत के ऊपर फैन जो लगता है उसको हम सीलिंग फैन बोलते हैं. ठीक है, तो ये वो वाला सीलिंग फैन होता है जो छत पे लगता है. और जो हम लोगों का जो फ्लोर से फैन ऊपर की तरफ आता है, जो फ्लोर पे फैन हम खड़ा करते हैं और उससे जो हवा आती है उसको हम पेडेस्टल फैन बोलते हैं. तो सीलिंग फैन और पेडेस्टल फैन में क्या फर्क है? सीलिंग फैन जो है वो आपकी छत के ऊपर होता है और पेडेस्टल फैन जो होता है वो आप जमीन पे रखते हो और वो आपको हवा देता है. पंजाब में या यूपी में इसको हम फर्राटे, पेडेस्टल फैन को हम फर्राटे के नाम से भी जानते हैं. तो चलिए वापस सीलिंग पे चलते हैं. जो दूसरा एग्जाम्पल है सीलिंग का वो है द सीलिंग ऑफ द टेम्पल ग्लिटर्ड विद गोल्ड. जो टेम्पल की जो छत थी वो गोल्ड से, वो गोल्ड की बनी हुई थी और वो चमचमा रही थी. ग्लिटर का मतलब होता है चमचमाना. तो सी ई आई एल आई एन जी वाला जो सीलिंग होता है उसका मतलब छत होता है. जो एस ई ए एल आई एन जी वाला सीलिंग होता है, ये भी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग समथिंग सिक्योरली या नॉन पोरस कोटिंग टू प्रिवेंट लीकेज. तो पहला जो मीनिंग है वो है प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग समथिंग सिक्योरली, किसी चीज को बिल्कुल सील कर देना, बंद कर देना. जो मैक्सिमम 10th 12th या जो ग्रेजुएशन के पेपर्स होते हैं कॉलेजेस में, वो जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचते हैं तो वो एक वो लाल सा एक उस पर सीलिंग सी लगी होती है पेपर के, मतलब वो बिल्कुल सील होके आया है, उसको कोई खोल नहीं सकता. तो कोई जो प्रोसेस है, किसी को बंद करने का प्रोसेस, उसको हम सीलिंग बोलते हैं. दूसरा है नॉन पोरस कोटिंग टू प्रिवेंट लीकेज. अगेन इसको हम ये वाली बंद करने वाली सीलिंग से जोड़ सकते हैं कि कहीं पे जब आपकी लीकेज हो रही होती है तो वहां पे आप एमसील लगा देते हो. तो एमसील इटसेल्फ सीलिंग वर्ड से निकल के आया है, मतलब उसको हम बंद कर देते हैं पूरी तरह ताकि वो वहां से कोई फिर कोई लीकेज ना हो.
तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. फाइव होम गार्ड्स एंड सिक्स पुलिसमैन वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द सीलिंग ऑफ द बैलेट बॉक्स. तो होम गार्ड्स और पुलिसमैन जब बैलेट बॉक्स, आप जब वोट देते हैं उसके बाद जो बैलेट बॉक्स जब काउंटिंग के लिए जाता है तो जब उसको सील किया जाता है तो उस टाइम पे वो लोग प्रेजेंट थे. तो ये वो वाला सीलिंग होता है. प्रॉपर सीलिंग विल प्रिवेंट लीकेज फ्रॉम द सिंक. जो सिंक से लीकेज हो रही है आप उसको प्रॉपरली सील कर दो, एम सील से कर दीजिए ताकि वहां से लीकेज ना हो. तो ये वाला जो सीलिंग होता है ये इसका, ये एक नाउन होती है या संज्ञा होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरह बंद कर देना. अब जो नेक्स्ट पेयर ऑफ आपका कंफ्यूजिंग वर्ड्स है वो है आइडल, आइडल और आइडियल. इसके बीच भी लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए मैं आज आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ. जो आइडल, आई डी एल ई वाला आइडल होता है वो एक एडजेक्टिव या विशेषण होता है जिसका मतलब होता है सिटिंग विदाउट वर्क. इसको हम हिंदी में बोलते हैं जो इंसान जो बहुत खाली होता है, और पंजाब में हम इसको बोले जाते हैं जो इंसान बहुत ज़्यादा वेला होता है. तो आइडल का मतलब एडजेक्टिव में इसका मतलब होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा खाली होता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता. दूसरा है वर्ब, ये एक क्रिया भी होती है जिसका मतलब होता है खाली समय बिताना, खाली समय बिताना. तो अगर हम इसको एडजेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और वर्ब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मतलब यही है, खाली या खाली समय बिताना. तो इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. मेनी पीपल लॉस्ट देयर जॉब ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड नाउ आर सिटिंग आइडल. बहुत लोगों ने लॉकडाउन के टाइम अपनी जॉब खोई और अब वो खाली बैठे हुए हैं. तो ये वाला जो है ये एक एडजेक्टिव है. फाइव बॉयज वर आइडलिंग आउटसाइड द हाउस. पांच लड़के जो थे वो घर के बाहर और आइडल कर रहे थे, वो घर के बाहर खाली बैठे हुए थे. तो आई डी एल ई वाला जो आइडल होता है इसका मतलब होता है खाली. अब जो आपका आई डी ओ एल वाला आइडल होता है ये एक नाउन या संज्ञा होती है जिसका मतलब होता है मूर्ति. जो आप भगवान की मूर्ति लेके आते हैं या किसी और चीज़ की मूर्ति लेके आते हैं, ठीक है, एक तो इसका मतलब ये होता है. दूसरा होता है अ पर्सन हु इज़ ग्रेटली एडमायर्ड. जो आपका, जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, प्रेरणा स्रोत भी कहते हैं इसको, ठीक है. तो ये वाला जो आइडल होता है ये वो होता है. तो ये वाले आइडल के दो मतलब है, एक है मूर्ति और दूसरा है प्रेरणा स्रोत. तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. आइडल वर्शिप इज अ कॉमन कस्टम अराउंड द वर्ल्ड. दुनिया में मूर्ति पूजा एक काफ़ी कॉमन कस्टम है या काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस है. और वो कौन सी प्रैक्टिस है, वो एस ई वाली नहीं, वो सी ई वाली प्रैक्टिस है जो हम डिस्कस कर चुके हैं. My current boss is turning out to be an idol for many employees. मेरे जो बॉस हैं वो बहुत सारे employees के लिए प्रेरणा स्रोत बन के आए हैं. तो आई डी ओ एल वाला जो आइडल होता है इसका, अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका दो मतलब होता है, एक होता है मूर्ति और एक होता है प्रेरणा स्रोत. अब लास्ट जो आई डी ई ए एल वाला आइडियल है ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट. तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज एन आइडियल लोकेशन फॉर देयर डेस्टिनेशन वेडिंग. आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत चल रही हैं और इसके ऊपर काफ़ी मूवीज भी बन चुकी हैं. लाइक रणबीर कपूर और दीपिका पाडुकोन की एक मूवी थी, आई एम सॉरी मैं उसका नाम भूल रही हूँ, ठीक है. तो वो बेसिकली वो डेस्टिनेशन वेडिंग के ऊपर मूवी थी. तो हम उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि दिस इज एन आइडियल लोकेशन फॉर देयर डेस्टिनेशन वेडिंग, कि उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ये एक परफेक्ट लोकेशन है. मिसेस शर्मा इज एन आइडियल पर्सन फॉर रिजॉल्विंग दिस क्वेरी. मिस्टर शर्मा जो है वो उनकी क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए एकदम आइडियल या परफेक्ट इंसान है, जिसको आप देखते हो कि भैया इससे अच्छा कोई ये काम कर नहीं सकता.
तो आई डी ई ए एल का मतलब होता है समथिंग विच इज परफेक्ट। तो आई होप आपको आइडल, आइडियल और आइडल के बीच का फर्क समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है ब्रेक और ब्रेक। तो चलिए इसके बीच का फर्क देखते हैं। जो पहले वाला ब्रेक है वो एक वर्ब भी है, क्रिया भी है, जिसका मतलब होता है सेपरेट इनटू पीसेस या तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना। और ये एक नाउन भी है या संज्ञा भी है, जिसका मतलब होता है इंटरप्शन ऑफ कंटिन्यूटी या अ पॉज इन द वर्क, बीच में रुकावट। जो ये वाला नाउन के हिसाब से देखे तो ये रुकावट है। तो बी आर ई ए के, ए के का मतलब होता है वर्ब में तोड़ना और संज्ञा में इसका मतलब होता है रुकावट। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही ब्रोक द चॉकलेट इंटू टू हाफ्स। अब ये वाला जो ब्रोक है ये पास्ट टेंस है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है ब्रोक। तो इसका मतलब ये होता है कि उसने चॉकलेट को दो हिस्सों में तोड़ा। They came down to meet us during their lunch break. वो हमसे मिलने lunch break में आए, मतलब उनको जो break मिली थी continuity से, एक work continuity से, उस break में वो हम लोगों से मिलने आए। तो I hope आपको ये B R E A K वाले break का मतलब पता चल गया हो। जो बी आर ए की के ई वाला होता है ये भी एक नाउन होता है या संज्ञा होता है, इसका मतलब होता है अ डिवाइस यूज्ड फॉर स्टॉपिंग अ मूविंग व्हीकल। आपके गाड़ियों में जो ब्रेक्स होते हैं, साइकिल में जो ब्रेक्स होते हैं, ये देखो ये साइकिल का ब्रेक दिया हुआ है, ये बेसिकली बी आर ए के ई वाला ब्रेक होता है, इसका मतलब वही होता है जो गाड़ियों में या साइकिल में जो ब्रेक्स होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, ही अप्लाइड ब्रेक्स मेनी टाइम्स वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते हुए उसने बहुत बार ब्रेक्स मारी। अ ब्रेक केबल नीड्स प्रॉपर इंस्पेक्शन। जो ब्रेक केबल है उसको प्रॉपर एक इंस्पेक्शन की, एक प्रॉपर चेक की जरूरत है। तो वो वाला ब्रेक और ये वाले ब्रेक, ब्रेक के बीच ये फर्क है। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स है वो है बाइट और बाइट। अब इसके बीच का क्या फर्क है तो चलिए देखते हैं। ये वाला जो बाइट है वो एक क्रिया भी होती है या वर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है यूजिंग टीथ टू कट थिंग्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं काटना, मुंह से काटना। तो जो चीज हम मुंह से काटते हैं, ठीक है, वो हमारा बाइट होता है। और नाउन में इसको हम बोलते हैं एन एक्ट ऑफ कटिंग थिंग्स। तो नाउन में इसका क्या होगा, काटना। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ही बिट हिज सिस्टर हार्ड वाइल फाइटिंग। अब ये वाला जो बाइट है ये एक वर्ब है और ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है बाइट का, बिट, इसका मतलब होता है लड़ते हुए उसने अपनी अपनी बहन को काटा। द माउंटेनियर्स यूजुअली सफर फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट्स। अब ये वाला जो है ये एक नाउन है और नाउन की कोई फॉर्म्स नहीं होती है, तो ये इसको ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि माउंटेनियर्स जब नॉर्मली माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं या ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि उनको फ्रॉस्ट बाइट्स हो जाती हैं। तो ये वो वाला बाइट है। तो आई होप आपको बाइट समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ब है वो है बाइट, दैट इज बी वाई टी ई। और ये जो है ये एक नाउन या संज्ञा होती है एंड इट्स अ कंप्यूटर टर्म, जो आपकी बाइनरी डिजिट्स और बिट्स भी बोले जाते हैं, इट्स अ कंप्यूटर टर्म। आप बहुत लोग मोबाइल फोन्स यूज करते होंगे, तो 4GB 64GB जितने भी आपके ये बाइट्स होते हैं, किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, गीगा बाइट्स, ये वो वाले बाइट्स होते हैं। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। वन बाइट हैज 8 bits इन इट। ये अगेन कंप्यूटर का एक टर्मिनोलॉजी है, दो आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विथ ऑल दीज थिंग्स, बट अगेन एक एग्जाम्पल है कि एक बाइट में 8 bit होते हैं। द फाइल इज 58 kilobytes ओनली। ये जो फाइल है ये 58 kilobytes की है। तो हमारा बी आई टी ई और बी वाई टी ई वाले बाइट में ये फर्क है। एंड आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
अब नेक्स्ट पेयर जो ऑफ हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है वो है अल्टर और अल्टर। अब इसके बीच का क्या फर्क है ये हम देखते हैं। जो ए एल टी ई वाला अल्टर है ये एक वर्ब होती है या क्रिया होती है जिसका मतलब होता है टू चेंज और मेक स्ट्रक्चरल चेंजेस। किसी चीज को चेंज करना इसको हम अल्टर भी बोलते हैं और कभी कभार नाउन में हम इसको अल्टरेशन भी बोलते हैं। हम जो अपने कपड़ों की अल्टरेशन करवाने जाते हैं, छोटा करवाने जाते हैं, बड़ा करवाने जाते हैं वो ये वाला अल्टर होता है। बट ये एक वर्ब है, जो अल्टरेशन होता है वो नाउन होता है, अल्टर एक वर्ब होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, टेलर अल्टर्ड हर ड्रेस फॉर द पार्टी। तो पार्टी के लिए टेलर ने उसकी जो ड्रेस है वो अल्टर करी, मतलब छोटी करी या बड़ी करी, चेंजेस लेके आया उसकी ड्रेस में। दे हैव प्लान्स टू अल्टर द बेडरूम, अपने बेडरूम को चेंज करने के उनके कुछ प्लान्स हैं। तो ये वाला जो अल्टर है ये इसका मतलब होता है चेंज करना और ये एक वर्ब है। जो हमारा ए एल टी ए आर वाला अल्टर होता है ये नाउन होता है या संज्ञा होती है जिसका मतलब होता है अ टाइप ऑफ टेबल यूज्ड इन सेरेमनीज इन रिलीजियस प्लेसेस। हम जब चर्च में जाते हैं, बिकॉज चर्च इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस, तो चर्च में जो ये टेबल होती है, ये आपने काफ़ी देखी होगी, ये जो टेबल है इसको हम अल्टर टेबल कहते हैं, जहाँ पे लोग अपनी ऑफरिंग्स रखते हैं जनरली। द प्रीस्ट केप्ट, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, द प्रीस्ट केप्ट द ऑफरिंग्स ऑन द अल्टर। जो प्रीस्ट था उसने अल्टर टेबल पे अपनी ऑफरिंग्स रखी। वो ऑफरिंग्स कुछ भी हो सकते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जो आप भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हो बेसिकली उसको ऑफरिंग्स कहते हैं। तो प्रीस्ट ने ऑफरिंग्स जो थी वो अल्टर पे रखी। द पीपल बोट डाउन बिफोर द अल्टर, लोग जो है, बोट डाउन मतलब सजदा करना या सर झुकाना, तो लोग जो है वो अल्टर के सामने उन्होंने अपना सर झुकाया। तो ये वाला जो अल्टर होता है ए एल टी ए आर, ये बेसिकली टेबल होती है जो नॉर्मली चर्च में पाई जाती है और ये रिलीजियस सेरेमनी के लिए होती है। तो आई होप आपको अल्टर और अल्टर के बीच का फर्क समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स है वो है डाई एंड डाई। इस पे भी लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए इसके कुछ डिफरेंस देखते हैं। जो पहला वाला डाई है वो एक वर्ब होती है या क्रिया होती है जिसका मतलब होता है टू स्टॉप लिविंग या मरना। तो जब कोई मर जाता है दैट पर्सन दे डाई, ये वो वाला डाई होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, हिज ग्रैंडफादर डाइड व्हेन ही वाज जस्ट 3 years ओल्ड, उसके जो दादाजी थे या नाना जी थे वो मर गए जब वो 3 साल का था। Every year more people die of hunger than any pandemic. हर साल लोग भूख से ज्यादा मरते हैं than किसी बीमारी से। तो ये वाला जो die होता है ये एक verb होता है, इसका मतलब होता है मरना। जो die वाला die होता है इसके दो हिसाब से मीनिंग होते हैं। पहला जो होता है वो नाउन होता है या संज्ञा होता है, इसका मतलब होता है नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस यूज्ड टू ऐड कलर टू एनीथिंग। जब आप कोई कलर, आप अपने दुपट्टे को डाई करवाने जाते हैं तो वो जो कलर होता है उसको भी डाई बोलते हैं। आपके जो जो आपके प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर्स में जो आपके इंक डलती है उसको भी लोग डाई बोलते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट वर्ब में होता है जब हम किसी चीज को रंग रहे होते हैं, ये वाला तो, ये वाला जो डाई होता है ये तो होता है रंग, ठीक है। और जब हम किसी चीज को रंग रहे होते हैं, किसी दुपट्टे को या किसी कपड़े को, उसको हम भी, उसको भी हम डाई कहते हैं, लेकिन वो एक वर्ब होता है। तो रंग और रंगना में फर्क है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है, माई मदर यूज ग्रीन डाई टू कलर हर स्कार्फ, मेरी मम्मी ने ग्रीन कलर की डाई, ये एक संज्ञा है, यूज करी अपने स्कार्फ को रंगने में। शी डाइड हर हेयर ब्राउन, उसने अपने बाल जो है वो ब्राउन कलर के रंगे, उसने अपने, ये एक एक वर्ब है या क्रिया है।
तो ये वाला जो डाई है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इसके दो मतलब होते हैं, नाउन फॉर्म में रंग और वर्ब फॉर्म में रंगना। तो आई होप आपको डाई और डाई के बीच का फर्क समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है गोरिल्ला एंड गोरिल्ला। अब इसके बीच का क्या फर्क है, ये वर्ड जो है ये काफी लोगों के लिए नया है, और ये जो वर्ड है ये बहुत ही आर्काइक वर्ड है, ये हिस्ट्री में ये वर्ड ज्यादा यूज होता है। तो चलिए इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं। जो पहला वाला गोरिल्ला है वो एक नाउन या संज्ञा होती है जिसका मतलब होता है अ पावरफुली बिल्ट एप, जो मंकी के प्रजाति के होते हैं। ठीक है, आपने प्लैनेट ऑफ एप्स देखी होगी या राइस ऑफ प्लैनेट ऑफ एप्स देखी होगी या और भी बहुत सारी इंग्लिश मूवीज हैं जिसमें ये गोरिल्लास दिखा रखे हैं। तो ये वो वाले गोरिल्ला होते हैं जो एक संज्ञा होती है, और ये बंदर प्रजाति के होते हैं जो काफी बड़े होते हैं, दे आर बहुत बड़े होते हैं, विशालकाय होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, गोरिल्लास हैव अ हैबिटेट डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। जो गोरिल्लास होते हैं, ये वाले गोरिल्लास, उनका जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट मतलब जहां पे वो रहते हैं, वो बाकी एनिमल्स से थोड़े अलग होते हैं। द बेबी ऑफर्ड गोरिल्ला अ बनाना, एक बच्चे ने गोरिल्ला को बनाना ऑफर करा। तो ये वाला जो गोरिल्ला है इसका मतलब ये होता है जो एक बंजर, एक बंदर की प्रजाति का होता है। जो ये वाला गोरिल्ला होता है ये भी एक नाउन और संज्ञा होती है जिसका मतलब होता है अ मेंबर ऑफ एन अनऑफिशियल मिलिट्री ग्रुप मेकिंग सडन एंड अनएक्सपेक्टेड अटैक्स। अब मैंने इसको हिस्ट्री का रेफरेंस इसलिए दिया था कि जब भी हम अपनी मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, टर्क्स की हिस्ट्री पढ़ते हैं, या जब हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं जिसमें इंडिपेंडेंस का रेवोल्यूशन दिखाया गया है, उसमें ये गोरिल्ला वर्ड, ये गोरिल्ला अटैक्स बहुत बार मेंशन किया गया है, जिसका मतलब होता है पीछे से एकदम से वार कर देना। तो पीछे से या एकदम से वार करने को हम लोग गोरिल्ला अटैक बोलते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मेनी पीपल फॉलोड गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स टू गेट इंडिपेंडेंस। बहुत लोगों ने गोरिल्ला वॉरफेयर को फॉलो किया इंडिपेंडेंस या आजादी के लिए। A small gang of gorillas have blown up the train. वो लोग जो suddenly small attacks करते हैं पीछे से, उन्होंने एक ट्रेन को उड़ा दिया। Blown का मतलब होता है उड़ाना। तो ये हमारे गोरिल्ला के कुछ examples हैं, और ये वाला जो गोरिल्ला term है, I hope अब आप इससे काफी acquainted हो गए होंगे। ये वाला जो गोरिल्ला term है वो इसका मतलब ये होता है। तो गोरिल्ला और गोरिल्ला के बीच का फर्क ये होता है। अब जो नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड है वो है ग्रेट एंड ग्रेट। अब इसके बीच का क्या फर्क है, जो ये वाला जो ग्रेट होता है ये एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है रिड्यूस फूड टू स्मॉल श्रेड्स या मेक एन अनप्लेजेंट क्रीकी साउंड। हिंदी में हम इसको कद्दूकस भी बोलते हैं। आप वो जो कद्दूकस पे चीज पिज्जा के ऊपर जो जो पिज्जा का जो बेस होता है उसके ऊपर जो आप चीज घिसते हो, ठीक है, कद्दूकस से, कद्दूकस करना, ये वो वाला ग्रेट होता है। या आप पराठों के लिए जो मूली घिसते हैं, या जो कॉलीफ्लावर या जो गोभी घिसते हैं, ये वो वाला कद्दूकस होता है। तो ये वाला जो ग्रेट होता है इसका मतलब होता है कद्दूकस करना। और जो कद्दूकस होता है, जो ये वाला जो कद्दूकस है, ये जो मशीन है, इसको हम लोग ग्रेटर कहते हैं। तो ग्रेट और ग्रेटर में ये फर्क है कि ये वाला जो ग्रेटर है ये नाउन है, और ये वाला जो वर्ब है GRATE, ये इसका मतलब होता है कद्दूकस करना। इस प्रोसेस को हम लोग ग्रेट बोलते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शी ग्रेटेड कोकोनट फॉर द डिजर्ट। तो उसने डिजर्ट के लिए कोकोनट को ग्रेट किया, कद्दूकस किया। द ब्रेक्स ऑफ द कार ग्रेटेड। हाँ, इसका एक और मतलब होता है अनप्लेजेंट एंड क्रीकी साउंड, जो हम बहुत ही एक वो इरिटेटिंग साउंड, जब हम ब्रेक मारते हैं तो वो एक
ची सी जो बहुत इरिटेटिंग साउंड होती है उसका मतलब भी ग्रेट होता है. तो इसका मतलब है द ब्रेक्स ऑफ द कार ग्रेटेड. तो आई होप आपको जी आर ए टी ई वाले ग्रेट के का सम फर्क समझ में आ गया होगा. जो जी आर ई ए टी वाला ग्रेट है ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है महान. अकबर द ग्रेट, बीरबल द ग्रेट, चाणक्य द ग्रेट, तो ये वो वाला ग्रेट है. तो इसका मतलब होता है समवन हु इज बियॉन्ड अ सर्टेन गुड लेवल. तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ही इज जस्ट ग्रेट एट डांसिंग, इट इज हार्ड टू कम्पीट अगेंस्ट हिम. वो डांसिंग में बहुत अच्छा है, महान है और उससे कॉम्पिटिशन करना बहुत मुश्किल है. अशोका वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम्स. एंशियंट हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो अशोका एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, महान पर्सनैलिटी थी उस टाइम पे. तो जी आर ए टी ई वाला ग्रेट और जी आर ई ए टी वाले ग्रेट में ये फर्क है. जो नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स का पेयर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंजल और एंगल का. तो चलिए इसके बीच का फर्क देख लेते हैं. जो एंजल होता है ए एन जी ई एल वाला एंजल, वो एक नाउन होती है या संज्ञा होती है जिसका मतलब होता है अ स्पिरिचुअल बीइंग कंसिडर्ड एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड और फेरी. जो हम परियों की बात करते हैं वो ये वाला एंजल होता है. तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. शी लुक्स लाइक एन एंजल इन वाइट ड्रेस. वह परी की तरह लगती है सफेद ड्रेस में. माई लिटिल सिस्टर बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ एंजल्स. मेरी छोटी बहन जो है वो परियों की एग्जिस्टेंस में बिलीव करती है. जो ए एन जी एल ई वाला एंगल होता है इसको हम एंगल प्रोनाउंस करते हैं. ये एक नाउन और संज्ञा होती है जिसका मतलब होता है कोण. अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो 90 डिग्री एंगल, 360 डिग्री एंगल, ये वो वाला एंगल होता है. ठीक है, तो इसका मतलब होता है अ स्पेस मेजर्ड इन डिग्रीज, पर्टिकुलर वे ऑफ अप्रोचिंग और कंसिडरिंग एन इशू. इसका हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. इन ऑर्डर टू फ्लाई द काइट वन शुड कीप इट एट 180 डिग्रीज एंगल. पतंग को उड़ाने के लिए हर किसी को 180 डिग्री कोण पे या 180 डिग्री एंगल पे पतंग को रखना चाहिए. ही इज लुकिंग एट द प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल द एंगल्स. वो हर जगह तरह से, हर कोण से प्रॉब्लम्स को देख रहा है. तो वो वाला जो एंजल होता है और ये वाला जो एंगल होता है उसके बीच ये फर्क होता है और इनकी प्रोनंसिएशन में भी काफी फर्क है. जो नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे वो है मेड और मेड का. तो इसके बीच क्या फर्क है चलिए देखते हैं. जो एम ए आई डी वाला मेड है वो एक नाउन या संज्ञा होती है जिसका मतलब होता है अ फीमेल डोमेस्टिक सर्वेंट या अ यंग वुमन. तो जो एक यंग औरत होती है या हमारे घर में जो काम करने वाले आते हैं वो उनको मेड बोला जाता है. तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. दे हैव अ परमानेंट मेड एट देयर प्लेस. उनके घर में एक परमानेंट 24 घंटे रहने वाली एक मेड है या काम वाली है. द मेड लॉस्ट हर बैलेंस एंड टम्बल्ड. एक यंग लड़की है उसने अपना बैलेंस खोया और वो गिर गई, वो लड़खड़ा गई. टम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना. तो ये वाला जो मेड होता है इसका मतलब ये होता है. जो एम ए डी ई वाला मेड होता है वो एक वर्ब होती है या क्रिया होती है और ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है मेक का जिसका मतलब होता है बनाना. तो ये वाला जो मेड है ये सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है मेक का. इसका मतलब होता है पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेक. अगेन वही. तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. ही मेड अ गुड एक्सक्यूज टू गेट एन ऑफ. उसने ऑफ लेने के लिए एक बहुत अच्छा बहाना बनाया. दूसरा हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं. दे मेड हर फील कंफर्टेबल ड्यूरिंग द इंटरव्यू. उन्होंने उसको कंफर्टेबल बनाया इंटरव्यू के दौरान.
तो आई होप आपको वो वाला मेड MAID और MADE वाले मेड का फर्क समझ आ गया होगा। तो ये आपके कुछ 15 कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे जो हमने डिस्कस करे हैं। तो इसको और अच्छी तरह समझने के लिए चलिए इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, हर कोर्स या कोर्स बिहेवियर इज अनॉइंग पीपल। उसका जो एक रूड बिहेवियर है वो लोगों को बहुत ज्यादा अनॉय कर रहा है, तो कौन सा वाला कोर्स आएगा इसमें? यस, ये वाला कोर्स आएगा, क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ही इज अ कोर्स इंडिविजुअल, वो बहुत रूड इंसान है। द टीचर मेड द स्टूडेंट स्टैंड अप इन सीरियल ऑर्डर। अब इसमें से कौन सा वाला सीरियल आएगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यस, ये वाला सीरियल आएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है सीरियल ऑर्डर मतलब प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर में टीचर ने अपने बच्चों को खड़ा किया। मीता इज ब्लंट, समटाइम्स हर वर्ड्स अफेक्ट या इफेक्ट पीपल। अब इसमें कौन सा वाला अफेक्ट या इफेक्ट आएगा ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमारा वर्ब आएगा, क्योंकि अगर हम इसको हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में देखेंगे कि मीता एक बहुत मूवफट इंसान है, उसके जो वर्ड्स हैं उसके जो शब्द हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित एक क्रिया है, और क्रिया में कौन सा वाला अफेक्ट आएगा, ये वाला अफेक्ट आएगा, तो इसमें ए वाला अफेक्ट आएगा। डैश, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स वंस परफेक्ट, ठीक है। अब अगेन इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं कि अभ्यास, हर चीज का अभ्यास हर एक इंसान को निपुण बनाता है, परफेक्ट बनाता है। तो अभ्यास कौन सा वाला प्रैक्टिस था? यस, वो ये वाला प्रैक्टिस था, तो इसमें क्या आ जाएगा? CE वाला प्रैक्टिस। फिफ्थ है, माय फादर एडवाइसेस पीपल टू वर्क हार्ड। अब इसमें हम इसको अगेन हिंदी में ट्रांसलेट करें तो मेरे फादर लोगों को हार्ड वर्क की सलाह देते हैं। सलाह देना हमारा कौन सा वाला एडवाइस था? यस, एड SE वाला एडवाइस था, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? ये वाला एडवाइस आ जाएगा। द मेसन इज रिपेयरिंग द डैश सीलिंग या सीलिंग। मेसन का हिंदी में होता है मिस्त्री, तो मिस्त्री जो है वो सीलिंग रिपेयर कर रहा है। अब कौन सी सीलिंग रिपेयर कर रहा है? यस, वो छत रिपेयर कर रहा है, तो इसमें कौन सा वाला सीलिंग आ जाएगा? इसमें ये वाला सीलिंग आ जाएगा। सिटिंग डैश मेक्स वन ओवरथिंक। अब इसमें आइडल, आइडल और आइडियल, इसमें क्या आएगा? हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जब हम IDLE बोलते हैं तो मतलब खाली बैठना, तो सिटिंग आइडल मेक्स वन ओवरथिंक मतलब खाली बैठना एक इंसान को ओवरथिंकिंग कराता है, ज्यादा से जरूरत से ज्यादा सोचना इज ओवरथिंकिंग। जो एट है वो है, यू शुड ट्राई टू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। कौन सा वाला ब्रेक इसमें? यस, ये वाला ब्रेक मतलब आपको अपने आप को थोड़ा सा मोनोटनी से छुट्टी देनी चाहिए, आपको उसको थोड़ा सा डिसकॉन्टिन्यू करना चाहिए। कैन आई हैव अ बाइट फ्रॉम योर बर्गर। अब इसमें कौन सा वाला बाइट है? यस, ये वाला बाइट है, जो एक नाउन है, मतलब क्या मैं तुम्हारे बर्गर का एक चख या एक बाइट ले सकता हूँ। माई फ्रेंड्स ऑल्टर्ड द प्लान ऑफ गोवा। मेरे फ्रेंड्स ने गोवा का प्लान थोड़ा सा चेंज करा। अब वो थोड़ा सा चेंज कौन सा वाला ऑल्टर है? यस, ये वाला ऑल्टर है, मतलब चेंज करना। Many people died young in German Nazi camp. बहुत सारे लोग young मर गए थे German Nazi camp में। इसमें कौन सा वाला die आएगा? Yes, ये वाला die आएगा, तो इसमें DIED वाला die आएगा।
The dash warfare technique was very common in ancient time. Ancient time में ये वाली warfare technique काफ़ी common थी. वो कौन सी थी? मैंने आपको बताया था कि उसका direct contact history से है, तो ये वाला. तो इसमें क्या आ जाएगा? The guerrilla warfare technique was very common in ancient times. She grates apples and then add them in porridge. Porridge मतलब दलिया. तो वो जो है apple है वो कद्दूकस करती है और उसको दलिये में डालती है. तो कौन से वाला कद्दूकस? ये वाला कद्दूकस, मतलब grates. Mrs. Robert is an angel या angel by heart. Mrs. Robert जो है वो दिल से एक परी की तरह है. तो कौन सा वाला एंजल आएगा? यस, ये वाला एंजल आएगा, मतलब मिसेस रॉबर्ट जो है वो दिल से एक परी की तरह है. द मेड वर्क्स हार्ड एंड इज पंक्चुअल एज वेल. जो हमारी घर में काम करने वाली औरत है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती है और टाइम पे आती है. पंक्चुअल मतलब टाइम पे आना. तो कौन से वाला मेड है? यस, ये वाला मेड. रोहन प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर द मैच. रोहन ने मैच के लिए बहुत तगड़ा अभ्यास किया. अभ्यास करना, तो वो कौन सा वाला प्रैक्टिस आएगा? हमने बताया था ये वर्ब वाला प्रैक्टिस आएगा क्योंकि एस ई है. तो रोहन प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर द मैच. श्याम्स Advice is always helpful. Again, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, श्याम की सलाह बहुत मददगार होती है. तो सलाह हमारा नाउन है, तो कौन सा वाला एडवाइस आएगा? यस, ये वाला एडवाइस आएगा. मनाली इज एन आइडियल टूरिस्ट स्पॉट. मनाली जो है वो एक परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट टूरिस्ट स्पॉट है. तो परफेक्ट के लिए हमने क्या डिस्कस किया था? यस, ये वाला आइडियल. सो मनाली इज एन आइडियल टूरिस्ट स्पॉट. ही बोर्ड डाउन इन फ्रंट ऑफ एन ऑल्टर. उसने ऑल्टर के आगे, जो चर्च में आपकी टेबल लगी होती है, उसके आगे सजदा किया. तो कौन सा वाला ऑल्टर है? यस, ये वाला ऑल्टर है जो हम डिस्कस कर चुके हैं. His company has bad effect या effect on people. उसकी company का लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है. प्रभाव के लिए हमने कौन सा effect discuss किया था? ये वाला, E वाला effect हमने discuss किया था. तो इसमें ये वाला effect आएगा. सो गाइज, थैंक यू सो मच हमारी ये वीडियो देखने के लिए. आई होप आप लोगों को आज कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे. और आगे चल के मैं आशा करती हूँ कि आप जो इसको अप्लाई करेंगे अब, वो ठीक से करेंगे. और आप अपनी जो क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम आपको प्रॉम्प्टली उसका रिप्लाई दे देंगे. सो थैंक यू सो मच.